हेलो गाइस, दिस मी डीडी डेरिन डेविस। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन, कल का मैच का थोड़ा प्रीव्यू बताना चाहता हूँ। तो कल बैंगलोर, रात को बैंगलोर और मुंबई का मैच था। कैप्टन ओके गया, वाइस कैप्टन वेरी मस्ट कैरी अर्सर पटेल को वाइस कैप्टन मिला तो ग्रैनी जीत जाता था। उधर उसमें तो चेयर को रखना चाहिए था, डैन क्रिस्टन को उधर रट्टीगर को रखना चाहिए था। चेन्नई और कोलकाता में होके गया कुछ, सैम करन फ्लॉप गया, इयन मॉर्गन एंड दीपक चार। वो दीपक चार का जगह में जो सेजरवुड को डालना चाहिए था, और इयन मॉर्गन का जगह पे रैना एनीवन और दिनेश कार्तिक को रखना चाहिए। एमएस धोनी बहुत इतना मिस्टेक किया था कल के मैच में। तो आज सनराइजर हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स का मैच है। सनराइजर हैदराबाद मोस्टली बाहर हो गए, ओके। तो राजस्थान को जीतना ही है, ये मैच जीता तो ओके, दे आर फॉर ए कॉम्पिटिशन ऑफ फोर्थ रैंक, क्योंकि बैंगलोर एक स्टेप आगे गया। तो बैंगलोर को भी एक मैच जीता तो दे आर इन सेफ जोन। तो देखिए क्या होने वाला है। तो आज का क्रिकेट स्टेडियम है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मैच नंबर 40 है, टाइमिंग 7:30 PM। पिच रिपोर्ट जाते तो विकेट के लिए बहुत अच्छा विकेट पिच है, बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा विकेट चांसेस है ये ग्राउंड में, बैटिंग भी ओके जाता है ओके। तो प्रोबेबल 11 जाते SRS विद RR का, पर हैदराबाद का जाते हैं डेविड वॉर्नर जेसन रॉय में को एक दिन रहेगा, बिकॉज डेविड वॉर्नर का ये साल का जो फॉर्म है, इन इंडिया में भी फ्लॉप फॉर्म था और इधर भी इसका खास तो जा रहे नहीं, 0-1 ऐसा रन है। तो हो सकता है जेसन रॉय आ सकते हैं अगर डेविड वॉर्नर को और एक मौका मिल सकता है। विद्यमान साहब विकेट कीपर मनीष पांडे, केन विलियम्स है, केदार जाधव, प्रियान ग्रक में कोई एक जन आ सकता है। तो हो सकता है केदर को ही मिलेगा मेरे सब चांस। समद अभिषेक शर्मा हो सकता है, समद को ही मिलेगा। जैसन और राशिका बुर्वेश कुमार कलियर में संदीप शर्मा, ये सबसे ही मिलेगा। राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स में एवन लुविस, डेविड मिलर में कोई एक जन रहेगा ओके। और लिविंग स्टे लास्ट में से ओपनिंग किया था, 1 रन में आउट हुआ था, तो उसके लिविंग स्टे को आई थिंक दे कैन ब्रिंग लास्ट। तो मेरे साथ लुविस आ सकते हैं डेविड मिलर का जगह पे। तो अभी लास्ट टीम के हिसाब से जाते हैं, जयसवाल, संजू सैमसन, लिम लिविंगस्टे, लंबोर, रियान पराग, राहुल तिवारी, क्रिस मॉरे सामसी में कोई एक जन रहेगा मेरे हिसाब से। आज क्रिस मॉरिस आ सकता है, और चेतन सकरिया, कार्तिक त्यागी, मिस्वी करेमा हो सकता है, ग्लैंड पिलिप भी आ सकता है, ग्लैंड पिलिप और संजू सैमसन का हो सकता है, लास्ट मैच भी हो सकता है, बिकॉज वापस उसको फाइन लग गया तो एक मैच के वो बैंड हो जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है। और बैंगलोर में मुंबई में अर्षर पटेल ने पूरा माइलस्टोन किया था, न्यूज़ सुनते माइलस्टोन का एट निकाला मुंबई का सामने। तो अर्षर पटेल टफ प्लेयर, और रोहित शर्मा का इंजुरी का वजह से मतलब आउट हुआ, बट वो इंजुरी का वो सफोकेशन और ईशान किशन को भी थोड़ा मेंटल हेल्थ भी थोड़ा कम हो गया था, तो इसके लिए मुंबई का गेम में बहुत इफेक्टिव हुआ, तो ऐसा सब हुआ। तो टॉप बैटर की पिक्स में जाते तो मनीष पांडे अच्छा डिस्टेंस रात दिया है लास्ट दो मैच में, ज़्यादा अच्छा रन नहीं दिया, बस 7 मैच में 223 रन मारा, एवरेज और 37.16 और 2 हाफ सेंचुरी अभी तक किया है पूरा IPL में, ये IPL में। जयसवाल भी अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा बैटर है, यंग प्लेयर, 120 रन 5 मैच, और इसका हाई स्कोर भी 49 है। जेसन होल्डर की बात करते तो जेसन होल्डर अच्छा किया पंजाब किंग्स के सामने, बैटिंग में बॉलिंग में दोनों माँ बहन किया, बहुत अच्छा किया वो, सॉरी अब 5-6 मारा था वो लास्ट में, 42 रन, बहुत ऑसम। और कल जडेजा भी चेन्नई के लिए मैच जिताया भी था, वो भी एक ऑसम, सबसे ज़्यादा कोलकाता जीतने का तो चांसेस है, बट जड्डू था जो जड्डू जैसा खेल दिया वो, फिर ड्रॉ होने का सोचा था बट एक रन मिल गया। तो क्रिस मॉरिस का बात करते, क्रिस मॉरिस लास्ट गेम में नहीं था, सनराइजर
जो सनराइजर के सामने हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अभी तक वो 14 विकेट निकाला 8 मैच में और 53 रन दिए बैटिंग में। बॉलिंग में राशिद खान अच्छा बॉलर है, एक इम्पॉर्टेंट बॉलर लोकल साइड का, 12 विकेट निकाला 9 मैच में, अच्छा इकोनॉमी ऑफ अंडर 6 में 5.58 कुछ है। मुशफिजुर रहमान फीस नाम से बुलाते सो, उसने लास्ट में ऋषभ पंत को आउट किया, सिर में अटमायर को आउट किया। अभी तो वो 10 विकेट निकाले 9 मैच में 7.88, अच्छा कॉम्पिटिटर है वो, बट हो सकता है वो भी ड्रॉप आउट हो सकता है क्योंकि राजस्थान का मेन प्रॉब्लम हो रहा है अभी बैटिंग साइड में, तो दे वी मेक श्योर टू बैटिंग को थोड़ा अच्छा प्रेफरेंस देने के लिए। तो बॉलर में इंडियन बॉलर डूइंग वेल, तो मुशफिजुर रहमान मे बी बिकम द सेकेंड ऑप्शन, देखते क्या होगा। विकेट कीपर संजू सैमसन, विदमा साहु ओके बट संजू सैमसन मोर ओके, अच्छा खेला है, 70 रन मारा था 53 डिलीवरीज में, बहुत मेहनत किया था बट अनसफल हो गया। तो स्टैटिक्स में जाता है, केन विलियमसन 147 रन दिए 223 पॉइंट, जेसन ओलेट 6 विकेट एंड 61 रन 257 पॉइंट, क्रिस मॉनी 14 विकेट एंड 53 रन 517 पॉइंट, संजू सैमसन 351 रन 573 पॉइंट, राशिद खान 12 विकेट एंड 42 रन एंड 489 पॉइंट। तो सबका पॉइंट 500 का हो गया है, खाली जेसन ओलेट क्योंकि वो बहुत कम मैच खेला। तो लाइक तो बनती है, सब्सक्राइब भी बनती है और फाइनली टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। ओके, मैंने इसमें मतलब जो मेरे हिसाब से चेंज होने का टीम का वो नहीं, मैं लास्ट टीम का वो हिसाब से टीम बनाया हूँ, फाइनली टेलीग्राम में वो रियल टीम रहेगा। तो इसमें वाइस कैप्टन संजू को बनाया, सेफर जा रहा हूँ, डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, केन विलियमसन, लिव लिविंगस्टन, लंबोर, जैसन और कैप्टन, भुवनेश कुमार, मुशफिकुर रहमान, राशिद खान, चेतन सकरिया, ये मेरा स्मॉल एक टीम है। ओके, हो सकता है तुम लोग को अभी डेविड वॉर्नर को हटा के कोई भी कौन सा भी बैच में रखना तो रख सकते हो, अबाउट आरआर का कोई भी बैच में, इफ लुविस प्लेइंग लुविस को ले सकते हो। ओके, बाकी सब सेम रखो, इफ लुविस रहेगा तो डेविड वॉर्नर को हटा के लुविस को रख सकते हो और रेस्ट और आर ओके। तो ग्रैंड लीग की बात करो, ग्रैंड लीग में मैंने विद्यमान शाह को लिया है, डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, लीव लिविंगस्टन, लंबोर, जयसवाल, जेसन ओलो कैप्टन, भुवनेश कुमार, संदीप शर्मा, राशिद खान वाइस कैप्टन, कार्तिक त्यागी, क्योंकि कार्तिक त्यागी ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छा डेड ओवर करता है प्लस 6-7 ओवर भी बहुत अच्छा करता है, तो एक अच्छा बॉलर मिला है राजस्थान को। और इसमें हो सकता है तुम लोग अटाने विदमा शाह को स्मॉलिंग में भी रख सकते हो। ओके, रेस्ट और ओके, मनीष पांडे का जगह में तुम लोग को रखना है, नहीं एक मनीष पांडे लिव, तो ये सेम होने दे, फाइनली टेलीग्राम में तो उधर ही देखते। मैच प्रेडिक्शन में जाते हैं तो मेरे हिसाब से आज सनराइजर हैदराबाद ही जीतेगा इफ जेसन रॉयर खेलेगा तो। जेसन रॉय खेलेगा तो आज हो सकता है जीत सकता है जेसन रॉय, अदरवाइज राजस्थान जीतने का चांसेस है। ओके, तो बट मेरे हिसाब से हैदराबाद जीतेगा क्योंकि लोग भी मन रहेगा कि लास्ट नहीं होना है, तो देखिए क्या होगा। तो दिस इज माय वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।